उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करें और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है दिल का दौरा कैसे पड़ता है। अब इस वीडियो में जान सकेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं और कौन सी पेन्स हैं, तकलीफ है, जिससे पता चलता है कि दिल का दौरा इंसान को पड़ने वाला है, और वो कीमिया यमल जो इंसान के जिसम में होता है उसके बारे में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब दिल के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसे दिल का दौरा या इंजमादे खून कहते हैं। दौरा अमूमन जमे हुए खून के एक क्लॉट के वजह से होता है जो किसी रग में रुकावट पैदा करता है। ये रुकावट रग के इस इलाके में खून के बहाव या दौरान में मखल होती है। वाफर मकदार में ऑक्सीजन ना मिलने से कल्बी हिस्से का मुतलका हिस्सा जो है वो में खराबी पैदा होती है और मामूल के मुताबिक काम नहीं कर पाता। ये काम करना बंद कर देता है और जमे हुए खून का क्लॉट जो है वो अमूमन रग या दिल के किसी तंग हिस्से में ही बनता है। रग की ये तंगी एथ्रोक्लेरोसिस के सबब से होती है। ये एक अमल है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तवील मुद्दत में चर्बी की छोटी और बारीक तह रगों की अंदरूनी दीवारों पर जम जाती है। जब रगे दिल जो है वो 70% ज़्यादा तंग हो जाती है तो हार्ट अटैक या पट्ठों को ऑक्सीजन काफ़ी नहीं पहुंच पाती और हार्ट अटैक की वजह बनती है। जिस्मानी वर्जिश या दिमागी मेहनत या जोर की कैफियत में जब दिल को मामूल से ज़्यादा मेहनत करनी होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत निस्बतन ज़्यादा होती है। कल्बी पट्ठे में एक ऑक्सीजन की ना काफ़ी रसद की अलामत जो हैं वो ऐसे इन सूरतों में ज़ाहिर होती है। फर्स्ट है आपके पास सीने का दिल या बेआरामी से इंसान महसूस करता है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि गोया सीना जो है जकड़ जकड़ गया हो या पिंच गया हो या दर्द होता है। बिना किसी सबब पेट या सीने में गैस की ज़्यादती से बेचैनी का एहसास पैदा होता है। सांस फूलना, अचानक शदीद कमज़ोरी महसूस करना, पसीने पसीने हो जाना या चक्कर आना। सीने में इस किस्म के दर्द या बे आरामी को तिब्बी इस्तलाह में हार्ट अटैक या एंजाइना कहते हैं। इस तरह की बे आरामी दिल का दौरा पड़ने से हफ्तों, महीनों या बरसों पहले हो सकती है। ऐसी शिकायत होने पर अगर आपके जहन में कोई शुबा हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दिल में दर्द या एंजाइना होना हुए बगैर भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे ही कुछ लोग बरसों एंजाइना में मुबतला रहते हैं लेकिन इन पर दिल का दौरा कभी नहीं पड़ता। बाद का दिल के दौरे के लिए मायोकार्डियल इंफॉर्मेशन की बजाय कॉरोनरी थ्रोमेबस की असलाह इस्तेमाल की जाती है। एक या कई रगों की नाली यानी चर्बी के बदतरीज जमा हो जाने से कई जगह पर तंग हो जाती है। ये सूरत ऐसी तंग जगहों पर खून के जमने या क्लॉट बनने या गिरा पड़ने में बड़ी आसानी पैदा कर देती है और इस क्लॉट का बनना या गिरा पड़ना कहते हैं। इस किस्म का क्लॉट बनने की वजह से रग में रुकावट पैदा हो जाती है। इससे रग के इलाके में कल्ब के पट्ठे में खून का दुरानिया या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके नतीजे में ऑक्सीजन की सप्लाई की भी यही कैफियत होती है और इसका ये नतीजा होता है कि इंसान को दिल का दौरा पड़ जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इन सिम्टम्स को समझ सकेंगे और
अगर ये ऐसे सिम्टम इंसान में मौजूद हों या खुद को पता चल सकता है या नहीं, इसके बारे में जान सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।